अपने गुरु के उपलक्ष्य में एक मंदिर का उद्घाटन के लिए न्योता दिया। धर्म के ठेकेदारों ने बहुत चीड़ करी, क्योंकि मेरी तो हो ही रही, आज भी हो रही है। जो बढ़िया सा नेता हो जाए या बढ़िया सा संगठन खड़ा कर दे तो बिरादरी खत्म करके अपना चोटी बेटी का रिश्ता फिट कर दे। जब तक हम लाठल पाठल घूमते हैं कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए पावर स्टाफ का सल्यूट। पावर कब बनेगी? प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट मैन। अभ्यास करो, सत्संग में भी अभ्यास करोगे, भक्ति का अभ्यास करोगे तो तुम्हारे अंदर एक तेज उत्पन्न होगा। और बस आपके अंदर जब तेज उत्पन्न होगा, जितनी बड़ी मैग्नेट होती है इतने ही उसमें करंट पैच का समा आता है। इसलिए आप लोग भजन बंदगी करें, गुरु महाराज के नाम पर कुछ दान दक्षिणा भी करें। तो मीरा का बहुत ही विपक्ष ने बहुत विरोध किया, लेकिन रविदास जी का बुलावा उसने नहीं छोड़ा। मंदिर के उद्घाटन के लिए दरवाजा खोला तो उसमें मूर्ति नहीं थी, षड्यंत्र के द्वारा काम हुआ। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की चकर पकर, यहाँ का अनुशासन अगर बढ़ जाओ तो एक मैसेज जागा कि भाई महाराज समनदास जी के आश्रम कोटा में बहुत जोर का अनुशासन था। करालगढ़ में गंगा पैर से निकाल सके, मन चंगा कटौती में गंगा सब प्रसिद्ध उदोहा है, वो कर सकता है तो क्या रविदास जी महामंत्र मार का मूर्ति नहीं खड़ी कर सका था? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कर्म प्रधान है, कर्म से योगी बनता है, कर्म से भोगी बनता है, कर्म से छत्रपति बनता है। आज दूर नहीं जाओ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, हमारे भाई चंद्रशेखर कुछ दिन पहले छोटमलपुर या छोटे मोटे दहरे में जाना जाता था, लेकिन समय ने करवट लिया, विश्व विख्यात हो गया। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में था हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पुत्र, जो भी आप लोग कहना चाहोगे, वो हमारे बीच से निकल कर गा, तो इसमें समाज की शान है, अपमान नहीं है। हर सा हीरा छोड़ के जो नर करे और की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सतबा के गुरु रविदास। बोलिए धन सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु समनदास महाराज की, आज के महान सत्संग की। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलम्ब ना कीजिए, दर्शन
कि आप इसकी वाणी की दो तीन कली है, बस थोड़ा थोड़ा फटाफट बताऊं क्योंकि संचालक सामना हो जाएगा। सम्मान भी दे रहे हैं, लेकिन रविदास महाराज ने एक बात कही, बहुत कल्याणकारी, अंतर्गति राचे नहीं बाहर कथे उदास। वे नरियमपुर जाएंगे, सतभास है गुरु रविदास। आप मुझे पैसे देकर सम्मान करे और फिर पीछा कर निकाला, तेरा सबरे पर कहना पता नहीं तो मामला खराब है। इसलिए आप मुझे अगर लगाओ प्रेम देते हो तो अंतर्भाव से दीजिए, जिससे कि हम उस मंजिल तक पहुंचे जहां हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। तो महाराज रविदास ने बहुत जोर देकर कहा, यो तनिब का मिला अगली बार पता नहीं घोड़े को धोखा भी मिल सके। धन जोबन की झूठी आशा, सत सत भाके गुरु रविदासा। सोन बने मर दर धन होने में कोई बड़ा वो नहीं है, यो सब कब्रस्तान और शमशान घाट तक का स्थान है, उसके बाद केला चलना होता है। सदगुरु माधो है सब जग चेला, इवका जी बिछड़ जगे ना फिर दोबारा नहीं मिले। आज महाराज रविदास जी की इस वाणी के अनुसार इस समाज को महाराज संबंदास जी जैसे संत की बहुत जरूरत है, देह वाले की नहीं तो ये खिंड रहा। इसलिए आप भाप को पड़ी जुलाई, किसके बापो किसके भाई, नंबर मेरा क्यों नहीं आया भाई पहले, तो यहाँ या लड़ाई हुई जी। इसलिए मेरा अनुरोध यह है, लिस्ट हम तैयार कर रहे, वैसे ऐसी बात नहीं, क्योंकि महाराज के माल को हम खाम खा तो खिंडने नहीं देने के, चास में महाराज कुछ भी हो, हम लिस्ट तैयार कर रहे कौन महाराज जी क्या क्या कर रहा, क्योंकि समाज में गुल बहुत खिला जा रहे हैं। मैं इस स्टेज के माध्यम से सभी महात्माओं को, प्रचारकों को, सबको सचेत समझ लो, चाहे मेरा भाई कुछ भी समझ लो, वह तुम्हारी समझने की बात है। लिस्ट तैयार कर रहे हैं हम, जो इस समाज में महाराज की छवि को गिरने की धूलित करने की कोशिश करेगा वो भाई हमारी तरफ का माफ नहीं होगा। तो बोलिए धन सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास महाराज।